भाई लोग, आज हम एक ऐसे स्पोर्ट्स चैंपियन लीग्स की बात करने वाले हैं जिसमें भाई साहब क्रिकेट के अलावा काफी सारे और स्पोर्ट्स को शामिल किया जाता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ओलंपिक्स की। क्योंकि ओलंपिक्स पेरिस 2024 जब तक ये वीडियो आएगा तब तक स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस के थ्रू मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले नहीं बना पाया, तो आज बना रहा हूँ क्योंकि ये जब तक वीडियो आएगा तब तक स्टार्ट हो चुका होगा ओलंपिक 2024 पेरिस। तो जैसे कि पेरिस आ गया शब्द, तो आपको लोकेशन पता चल ही गया होगा कि ये ओलंपिक्स 2024 पेरिस में हो रहा है इस बार। और हमारे टीम इंडिया ने 117 एथलीट्स भेजे हैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स की कैटेगरीज में। तो इस बार काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लेवल्स के साथ पेरिस में हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स क्वालिफाई होके गए हैं और आई होप सो के काफ़ी सारे मेडल्स जीत के आए, क्योंकि पिछले बार जो 2021 में टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें एक भी मेडल नहीं जीत पाए थे, पर उसके बाद जो समर में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें काफ़ी सारा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के हमारे प्लेयर्स ने काफ़ी सारे मेडल्स जीते थे। उसमें 61 टोटल मेडल्स जीते थे, उसमें से गोल्ड थे 22, सिल्वर थे 16 एंड ब्रॉन्ज थे 23। तो इसके साथ 61 मेडल्स जीते थे, पर इस बार हमारे इंडियन टीम ने यानी कि इंडिया कंट्री ने इस बार 117 एथलीट्स को भेजा है ओलंपिक्स 2024 पेरिस में। उसमें से 47 यानी कि 47 फीमेल्स है और 70 मेल्स है, यानी कि 70 मेल्स है और 47 फीमेल्स है। तो आप समझो कि काफ़ी सारे कैटेगरी स्पोर्ट्स की है, उसमें काफ़ी सारे लोग परफॉर्म करेंगे और काफ़ी सारे मेडल्स इस बार होपफुली आ जाए और मोस्ट ऑफ दी गोल्ड हो। तो ओलंपिक्स का नाम आता है तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा का नाम तो आता ही, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड वो हम सब ने देखा था, क्योंकि इस टाइप का रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया आज तक। तो आई होप सो कि आप भी ओलंपिक को फॉलो करते होंगे, और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते और यूट्यूबर होने के नाते मुझे तो काफ़ी सारे कंटेंट को कैप्चर करना ही होता है, तो मैंने सोचा कि क्रिकेट को करते हैं तो ओलंपिक को क्यों ना करें, ये भी एक हमारा घर का ही सदस्य है। तो ये स्टार्ट हो रहा है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, यानी कि 2.5 वीक्स का कुछ दिस इज अ प्रोग्राम एंड 19 डेज का ये है शेड्यूल। और काफ़ी सारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में से 10,500 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऑल ओवर 200 प्लस कंट्रीज, यानी कि आप समझो कि एक दुनिया में 200 प्लस कंट्रीज में से 10,500 एथलीट्स एक चैंपियन लीग में जा रहे हैं, और ओलंपिक में हर एक पर्सन अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक पर्सन जी जान लगा रहा है एक मेडल जीतने के लिए। तो आई होप सो कि हमारी बेस्ट विशेस है ओलंपिक में जाने वाले 117 प्लेयर्स के साथ कि वो अपना बेस्ट में से बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाए और इंडिया के लिए और अपने लिए मेडल जीत के आए और इंडिया का और अपना दोनों का नाम ऊंचा करें। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी चीयर अप करना चाहोगे टीम इंडिया के प्लेयर्स को ओलंपिक्स में। तो इसका टाइमिंग कुछ है अपने टीवी में, यानी कि इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से रात को 11 या 11:30 के बीच में इसका जो प्रीमियर होता है वो स्टार्ट होता है, और आप भी दूसरे काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी हाईलाइट्स और काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पर मुझे आपको ये थोड़ा सा नोटिफाई करना था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाना बनता है। तो ओलंपिक्स में जाने वाले सभी प्लेयर्स को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर द विनिंग एंड आई होप सो कि आप सब जीत के आओ। तो जैसे T20 वर्ल्ड कप जीता इस तरह ओलंपिक्स में भी आप काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स जीत के आओ। तो लेट्स होप कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो वीडियो, और आप भी काफ़ी सारे एथलीट्स होंगे इसमें, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्यूअर्स हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब में